देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में इन दिनों जमकर राजनीति हो रही है। टकराव भी लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी के नेता आप पार्टी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच अब आपने बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में भ्रामक और अपमानजनक सोशल मीडिया अभियान चला रही है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि और इमेज दोनों को खराब करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेगी। सांसद राघव चड्ढा ने आगे कहा कि आपने चुनाव आयोग से समय मांगा है। एक चिट्ठी के जरिए आपने चुनाव आयोग से समय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमिश्नर से रूबरू हुआ। हमने उनसे मिलने का समय मांगा था और समय इसलिए मांगा था क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जिस प्रकार का घटिया और बेहुदा कंटेंट डालकर हमारी पार्टी और ख़ास तौर पे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए और इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई है कि आप इसका संज्ञान लेकर भाजपा के खिलाफ उचित कार्रवाई कीजिए। राजनीति के अंदर, सार्वजनिक जीवन के अंदर एक मर्यादा जरूर रहनी चाहिए।